वेलकम बैक टू दी चैनल रसोई विद राजदा। आज हम आप लोगों के साथ इंस्टेंट रवा उत्तपम की रेसिपी शेयर करेंगे जो टेस्टी और हेल्दी भी है। लेकिन इसके पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियोस देखने को मिले। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ जिससे आपको मेरी लेटेस्ट अपलोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इंस्टेंट रवा उत्तपम बनाने के लिए हमें चाहिए दही 1 कप, सूजी या रवा 1 कप, मक्खन या तेल, नमक, बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून, प्रोसेस्ड चीज़, कटी हुई सब्जियाँ। सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल में 1 कप दही और 1 कप सूजी को डालेंगे। फिर उसमें हम 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और नमक डालेंगे। फिर इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। इस मिक्सचर में हमें थोड़ा थोड़ा कर पानी डालना है और मिलाना है जिससे ये थोड़ी पतली हो जाए, और 15 से 20 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने को छोड़ दें। देखिए, बिल्कुल इसी तरह इस बैटर को तैयार करना है जिससे कि ये तवे पे आसानी से फैल जाए। फिर हम तवे को मीडियम हाई फ्लेम या मीडियम हाई टेम्परेचर में रखेंगे और उसे बटर या तेल से ग्रीस करेंगे। उसके बाद हम उस पर उत्तपम बैटर को डालेंगे और उसे गोलाई में फैलाएंगे। उसके ऊपर हम अपनी पसंद की कटी हुई सब्जियों की टॉपिंग्स डालेंगे और फिर प्रोसेस्ड चीज़ डालेंगे और उसे दूसरे तरफ से भी पका लेंगे। इसे आप टोमेटो सॉस या ग्रीन चटनी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन इसका असली मज़ा कोकोनट चटनी और सांभर के साथ ही आता है। इस रेसिपी को आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि कैसी लगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और दुआओं में याद रखें।